ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। चलिए आपको सीधे वाराणसी लाइव लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। शक्ति का स्थान ये मेरी काशी में है। स्थान से शिव शक्ति के उस स्थान पर भारत की विजय की मैं फिर से बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, जिस स्थान पर हम सब इकट्ठा हुए हैं वह एक पावन स्थल जैसा है। यह स्थान माता विंध्यवासिनी के धाम और काशी नगरी को जोड़ने वाले रास्ते का एक पड़ाव है। यहां से कुछ दूर पर भारतीय लोकतंत्र के प्रखर पुरुष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजनारायण जी का गांव मोतीकोट है। मैं इस धरती से आदरणीय राजनारायण जी और उनकी जन्मभूमि को सर झुका करके प्रणाम करता हूं। मेरे प्यारे परिवारजनों, काशी में आज एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। ये स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए एक वरदान जैसा होगा। ये स्टेडियम जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें एक साथ 30,000 से ज्यादा लोग बैठकर के मैच देख पाएंगे। और मैं जानता हूं, जब से इस स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई हैं, हर काशीवासी गदगद हो गया है। महादेव की नगरी में ये स्टेडियम, उसकी डिजाइन स्वयं महादेव को ही समर्पित है। इसमें क्रिकेट के एक से बढ़कर एक मैच होंगे। इसमें आसपास के युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा और इसका बहुत बड़ा लाभ मेरी काशी को होगा। मेरे परिवारजनों, आज क्रिकेट के जरिए दुनिया भारत से जुड़ रही है। दुनिया के नए नए देश क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में क्रिकेट मैचों की संख्या भी बढ़ने जा रही है। और जब क्रिकेट मैच बढ़ेंगे तो नए नए स्टेडियम भी जरूरत पड़ने वाली है। बनारस का ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इस डिमांड को पूरा करेगा। पूरे पूर्वांचल का चमकता हुआ ये सितारा बनने वाला है। यूपी का ये पहला स्टेडियम होगा जिसके निर्माण में बीसीसीआई का भी बहुत सहयोग होगा। मैं बीसीसीआई के पदाधिकारियों का, काशी का एमपी होने के नाते, यहां का सांसद होने के नाते, मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे परिवारजनों, जब खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इतना बड़ा स्टेडियम बनता है, तो सिर्फ खेल ही नहीं
स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी उसका सकारात्मक असर होता है। जब स्पोर्ट्स के ऐसे बड़े सेंटर बनेंगे तो उसमें बड़े स्पोर्ट्स आयोजन होंगे, जब बड़े आयोजन होंगे तो बड़ी तादाद में दर्शक और खिलाड़ी आएंगे, इससे होटल वालों को फायदा होता है, छोटी बड़ी खाने पीने की दुकान को फायदा होता है, रिक्शा ऑटो रिक्शा टैक्सी इनको भी फायदा होता है, हमारे नाव चलाने वालों को तो दो दो हाथ में लड्डू हो जाता है। इतने बड़े स्टेडियम की वजह से स्पोर्ट्स कोचिंग के नए सेंटर खुलते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिखाने के लिए नए अवसर बनते हैं, हमारे बनारस के युवा नए खेल स्टार्टअप के बारे में सोच सकते हैं, फिजियोथेरेपी समेत स्पोर्ट्स से जुड़ी बहुत सी पढ़ाई और कोर्सेज शुरू होंगे और एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी वाराणसी में आएगी। मेरे प्यारे परिवारजनों, एक समय था जब माता पिता बच्चों को इस बात के लिए डांटते थे कि हमेशा खेलते ही रहोगे क्या, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करोगे कि नहीं, यही हुड़दंग करते रहोगे क्या, यही सुनना पड़ता था। अब समाज की सोच बदली है, बच्चे तो पहले से ही सीरियस थे ही, अब माता पिता भी स्पोर्ट्स को लेकर के गंभीर हुए हैं। अब देश का मिजाज ऐसा बना है कि जो खेलेगा वही खिलेगा। साथियों, पिछले एक दो महीने पहले मैं मध्य प्रदेश का एक आदिवासी इलाका शहडोल के आदिवासी गांव में गया था, वहां मुझे कुछ नौजवानों से मिलने का अवसर मिला और मैं सचमुच में वहां का दृश्य और उनकी बातें सुनकर के इतना प्रभावित हुआ। उन युवकों ने मुझे कहा कि ये तो हमारा मिनी ब्राजील है। मैंने कहा भाई तुम मिनी ब्राजील कैसे बन गए हो? बोले हमारे यहां हर घर में फुटबॉल का खिलाड़ी है। और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मेरे परिवार में तीन तीन पीढ़ी नेशनल फुटबॉल प्लेयर रही है। एक प्लेयर रिटायर होने के बाद उसने वहां अपना जान लगा दी और आज हर पीढ़ी का व्यक्ति आपको वहां फुटबॉल खेलता नजर आएगा। और वो कहते हैं कि हमारा जब एनुअल फंक्शन होता है तो कोई घर में आपको नहीं मिलेगा, इस पूरे इलाके के सैकड़ों गांव और लाखों की तादाद में लोग दो दो चार चार दिन मैदान में डटे रहते हैं। ये कल्चर उसे सुनकर के देखकर के देश के उज्जवल भविष्य का विश्वास मेरा बढ़ जाता है। और काशी का सांसद होने के नाते मैं यहां आए बदलावों का भी साक्षी बना। सांसद खेल प्रतियोगिता के दौरान जो उत्साह यहां रहता है उसकी जानकारी मुझे लगातार पहुंचती रहती है। काशी के युवा स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना नाम कमाए, मेरी यही कामना है। इसलिए हमारा प्रयास वाराणसी के युवाओं को उच्च स्तरीय खेल सुविधाएं देने का है। इसी सोच के साथ इस नए स्टेडियम के साथ ही सीगरा स्टेडियम पर भी करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सीगरा
और इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।